तो आज का टॉपिक जो है वो मेरे और आप दोनों के लिए ही बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि ये वो टॉपिक रहा है जिसमें मैं खुद हमेशा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा हूँ। लेकिन मैंने धीरे धीरे उम्र के साथ, अनुभव के साथ, गुरुओं के आशीर्वाद के साथ इसे समझने की कोशिश की है। टॉपिक हो सकता है बड़ा सरल सा हो लोगों को लगे, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल रही थी। गीतों में बांट कैसे पहचानते हैं, या गीतों में तालें कैसे पहचानते हैं? जब कोई लाइन आपके सामने लिखी है तो उसका मीटर क्या है, उसकी रिदम क्या है, ये कैसे पता की जाए? क्योंकि काउंटिंग अगर लिखी है तो पता चल जाएगी, लेकिन वहाँ लिखे हैं सिर्फ अक्षर। उन अक्षरों में एक चाल, एक छंद कैसे पहचाना जाए और कैसे डिसाइड की जाए कि कौन सा अक्षर कितना लंबा बोला जाएगा, कौन सा अक्षर कितना छोटा बोला जाएगा, या उसकी क्या चाल बनेगी, या अगर उस गीत को धुन में कन्वर्ट करना है तो उसमें कौन सी ताल लगेगी? ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क हमेशा से मेरे लिए रहा था। लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक राइटर कंपोज़र हैं, मेरे दादा गुरुजी वो खुद एक राइटर कंपोज़र हैं, तो भाग्यशाली रहा कि सिर्फ सिंगर या सिर्फ कंपोज़र नहीं, ऐसी दो शख्सियतों के पास में रहा जो वाग्गेयकार, जिसे हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा में कहें वाग्गेयकार, यानी जो गीत लिखते भी हैं और धुन भी बनाते हैं और गाते भी हैं, ये वाग्गेयकार होता है। तो वो हमारे, मेरे जो गुरुजी रहे दोनों, वो रहे। तो उनकी बदौलत मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, कुछ कुछ फंडे निकाले, कुछ कुछ फंडामेंटल्स, और ख़ुद भी मैंने पढ़ना शुरू किया, रेख्ता की मदद से ख़ुद भी मैंने लिखना शुरू किया। तो तब से मुझे थोड़ा थोड़ा मीटर का समझ आने लगा। कोई इसकी ग्रामेटिकल नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ पढ़ के जो सीखा है आज वही कुछ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि कैसे गीतों में बांट पहचानी जाती है, ताल पहचानी जाती है, और ताल और बांट और या छंद या मीटर क्या होता है। सुनी मैं हरी आवन की आवाज, सुनी मैं हरी आवन की आवाज। तो लिखने वाला हो, गीत गाने वाला हो, गीत पढ़ने वाला हो, धुन बनाने वाला हो, तबले वाला हो, नर्तक हो, या कोई सा भी आर्ट फॉर्म हो, म्यूज़िक का कोई सा भी फॉर्म हो, उसमें लय, रिदम, बांट, मीटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये जाना है कि इसे तबले के माध्यम से सीखा जाता है, कथक के माध्यम से और ज़्यादा सीखा जाता है। गायन में इसका प्रयोग लोग कम करते हैं सीखने के बदौलत, वरना लोग सुर पे ही इतना फोकस करते हैं, लयताल पे फोकस नहीं करते। तो तबला और कथक अगर आप सीखेंगे तो लयताल के ज़्यादा पक्के होंगे बनिस्बत के गायक, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसी सब के साथ साथ अगर आपने साहित्य सीखा है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो ये मीटर, ये छंद, ये आपको स्वतः आने लगता है। क्योंकि छंद यानी एक चाल, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, या फिर धिन ता ताच धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, या फिर ता 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 ता, एक दो तीन चार पाँच छः सात ता 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 ता, ये ग्रूव जो बन रही है, या फिर ये एक ग्रूव जो बनी। अलग अलग चालें, या यूं कहूं अलग अलग ताल की जातियां होती हैं, जिस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं। तिस्त्र जाति जो तीन की है, चतुस्त्र जो चार की है, खंड जो पांच की है, मिश्र जो सात की है, संकीर्ण जो नौ की है, इन जातियों से अलग अलग ताले बनी, इनसे अलग अलग छंद बनते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। लेकिन इतना डिटेल में जाने से बेहतर है अगर हम सरल शब्दों में समझें, तो हमें बहुत ही बचपन में ही ये छंद का जो बीज है जो हमारे अंदर बो दिया जाता है, जब हम सीखते हैं बारह खड़ी या हमारे अक्षर। ये खास करके हिंदी वर्णमाला में है, मतलब ये संस्कृत की चीज़ है मेरे ख्याल से, लेकिन ये खास करके छंद रूट जो है वहीं पर हैं, जब हमें सिखाया जाता है कि अ आ ए ई ओ ऊ, ऐसे जब बोलना सिखाया जाता है तब हमें मालूम चलता है कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ऋस्व और दीर्घ। ऋस्व यानी छोटे, जैसे कि अ ई उ ए ई ओ, और दीर्घ यानी आ ई ऊ ए औ अह, जिसमें कि एक एक मात्रा का एक्सटेंशन हमें मिल रहा है। बस यही वो सीक्रेट है जिसने मुझे मदद कर दिया बांट पहचानने में। जब भी मैं कोई गीत पढ़ता तब मैं बस इसी का ख्याल रखता कि वो लिखा गया होगा तो इसी से मीटर बनता है। आप देख रहे हैं अ आ
ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ ए ऐ ओ औ अं अह क का की आप देख रहे हैं तीन तीन की चाल बन रही है। इनफैक्ट वो लोग जिन्होंने ताल भी पढ़ ली, ताल भी सीख लिया, लय लयकारी भी समझ ली, दो गुना चार गुना सब कर लिया, वो भी नहीं कर पाते ताल पहचानना किसी लिखित रिटन टेक्स्ट में। और मैं भी उन्हीं में सा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया तो एक एक्सरसाइज हो गई। तो आज मैं जो टेक्निक आपको बताऊंगा वो तो आप अप्लाई करेंगे ही, लेकिन उसके बाद उसका असर सबसे ज़्यादा तब होगा जब उसका आप अभ्यास करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें। दो प्रकार से गीत बनते हैं। मैंने एक वीडियो दिया था कुछ समय पहले जिसमें मैंने ये समझाया था कि धुन बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो उसमें बेसिक तीन तरीके मैंने समझाए थे। एक वो तरीका होता है जिसमें पहले शब्द लिखे जाते हैं फिर उस मुताबिक धुन बनती है, एक वो तरीका होता है जिसमें धुन पहले बन गई अब उस मुताबिक शब्द लिखे जाएंगे, और तीसरा वो तरीका होता है जिसमें धुन और शब्द साथ में ही जिनकी आमद होती है यानी आते हैं ऊपर वाले की कृपा से, वो क्रिएटिविटी खुद जन्म लेती है जहाँ शब्द और धुन एक साथ जन्म लेते हैं। अब यहाँ धुन शब्द जब हैं, दोनों का भाव मिलना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों का मीटर मिलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ये होता है कि शब्दों का मीटर जो है वो छोटा छोटा होता है, तो उसकी जो धुन बनाई गई उसका कैसी चाल बनेगी उस पर कई बार विरोधाभास हो जाता है। भाव में विरोधाभास होता है वो टॉपिक आज का नहीं है, वो तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, तो आज वो नहीं, आज मीटर की ही बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सुनी होगी बहुत फेमस गज़ल, होश वालों को खबर क्या, जब उसको पढ़ा जाता है तो उसकी चाल बनती है होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजे फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ये सात मात्रा का छंद जा रहा है, कैसे बना वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अगर आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजे फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। लेकिन जब जगजीत साहब ने इसकी धुन बनाई तो इसे 8 मात्रा में बनाया, यानी होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। कैसे बनाया, एक एक मात्रा छोड़ छोड़ के, तो उन्होंने 7 की 8 कर दी। ये जस्ट एन एग्जांपल देके मैंने आपको ये समझाया कि कैसे कई बार रिटन टेक्स्ट का जो छंद है, जो मीटर है, वो अलग होता है, उसकी धुन का मीटर अलग हो जाता है। ये तब होता है जब आप या तो धुन पहले बन चुकी है यानी ट्यून पहले बन चुकी है और अब उस पर आपको लिखना है, और यही दोनों फार्मूलाज जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी हमेशा अप्लाई हुए हैं कि कई बार वो लिरिसिस्ट की रिटन टेक्स्ट एज इट इज़ उठा लिया गया, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया और उसकी धुन बनाई गई और धुन का भी मीटर वही रखा गया जो रिटन टेक्स्ट का मीटर था। और कई बार ये हुआ कि धुन बन चुकी है अब आपको रिटन टेक्स्ट इसमें फिल करना है, तो उसमें क्या होता है कई बार ऐसा वाला रिटन टेक्स्ट जो धुन के ऊपर बनाया गया है उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई मीटर नज़र नहीं आता है, वो ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ ऐसी नज़्म लिख दी हो जो बिना बहर की है, बिना मीटर की है, यानी उसमें कोई मीटर पढ़ने में नहीं आता, वो बातें लगती हैं क्योंकि वो धुन पे बनाई गई हैं। कई बार ये भी होता है, तो ये भी एक विरोधाभास है। खैर, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज मैं आपको शॉर्टकट जो बताने जा रहा हूँ, बस ये जो रूट है जो मैंने बताया कि अ आ दीर्घ स्वर जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ एक मात्रा का गैप दे दीजिए, अपने आप आपके गीत का मीटर आपके सामने आएगा। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसे हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस यानी भाई वो कवि है, कवि के हाथ में ये ताकत होती है कि वो कर सकता है, यानी कई बार छंद में बिठाने के लिए, उस लाइन को फिट करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी किया जाता है। ये उसी तरह से है जैसे एक सूट केस के अंदर आपको कपड़े अगर भरने हैं तो कई बार वो बराबर बराबर नहीं आते हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, कोई थोड़ा सा फंस के भी बैठता है उसमें, है ना। जैसे एक ही सीट पर अगर 3 लोगों की जगह और 4 चौथे को बिठाने तो थोड़ा फंसावट हो जाती है, तो कई बार ऐसा भी किया जाता है। तो अभी मैं एक एक करके आपको सारी तालों में एक एक गीत का एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं पूरा अपवादों के साथ बताऊँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये सुप्रसिद्ध गीत जो जनगणमन है इसी से शुरू करूंगा। जब इसके शब्दों को आप पढ़ते हैं तो मेरा वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया उसको ख्याल रखते हुए पढ़िए, तो पढ़ेंगे जन गण मन अधि नायक। अपने आप आ गया कि नायक, जो जहां दीर्घ था वहां मैंने एक मात्रा लगा दी, तो थोड़ी सी ही देर में आपको उस गीत की चाल पता चल जाती है अगर उसे साथ में गिनते रहें तो। जन गण मन अधि नायक जय हे,
ये आपने देख लिया। और लेकिन इसके लिए आपको ताले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी अगर आपने दादरा, रूपक, कहरवा, झपताल, तीन ताल और एक ताल, ख़ास करके ये वाली तालें जो सारे छंद आ गए, यानी तिस्त्र जाति भी आ गई, इसमें खंड जाति भी आ गई, मिश्र जाति भी आ गई, चतुस्त्र भी आ गई, सारी जातियाँ आपकी सीखी हुई हैं, तो ये चीज़ करना आपके लिए और आसान हो जाएगा कि गीत में वो चाल पता चलेगी। आठ मात्रा को पता करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल दूसरी छः मात्रा को, पाँच मात्रा को या सात मात्रा को पता करना होता है। कई बार लोग होता है सात मात्रा के गीत को आठ में पढ़ रहे होते हैं या उसको छः में पढ़ रहे होते हैं, और उन लोगों में मैं खुद भी एक शामिल एक खतावार इंसान हूँ, यानी मैंने भी ऐसा किया है कई बार कि छः मात्रा का गीत था लेकिन मुझे पढ़ने में आया ही नहीं कि उसकी छः की चाल क्या है, मैंने उसे आठ में बना दिया। तो कई बार शब्दों को बोलने में फंसावट होती है, कोई शब्द जल्दी जल्दी बोला जाता है, कोई लंबा लंबा बोला जाता है, कई बार ये दिक्कत हुई। लेकिन धीरे धीरे अब मैंने उस चीज़ को परफेक्ट किया, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ता हूँ, तो मुझे चाल समझ आती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो चाल बन रही है, जन गण मन अधि नायक जय हे भारत, आपने देखा भा, यहाँ मैंने एक मात्रा एक्स्ट्रा दी, तो भारत भाग्य। अब यहाँ देखेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको भागय या भागय, लेकिन आप देखेंगे ग जो है वो आधा है, तो कैसे पढ़ा भाग्य, ज्ञ जो है एक ही मात्रा में आ गया भाग्य विधाता। अब यहाँ आप देखेंगे तो चाल चल रही बीट टू बीट, यानी जन गण मन अधि नायक, चार चार चल रहा है, 4x4 चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए और हर चीज़ बीट टू बीट उठ रही है। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा एक्सेप्शन आगे वाली लाइन में आता है, जन गण मन अधि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, जब पंजाब उठाया तो बीट से नहीं उठाया। तो कई बार ऐसा भी होता है गीतों में कि कोई लाइन सम से उठती है और कई बार थोड़ी बहुत सम से पहले उठ जाती है। देखिए ये चीज़ें अलग अलग साहित्य में अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग से होती है, ये दोहों में अलग ढंग से होती है, उसका भी एग्जांपल दूंगा, और गज़लों में अलग ढंग से होती है। मैं यहाँ आपको सिर्फ गीत में बहर पहचानना, मीटर पहचानना सिखा रहा हूँ। मैं पहले ही कह देता हूँ मुझे ग्रामर का इतना नॉलेज नहीं कि मैं आपको हर जगह का बता दूँ कि दोहे का छंद ये होता है, गज़ल का छंद ये होता है, या नज़्म का छंद ये होता है, शेर का छंद ये होता है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि पढ़ कैसे सकते हो, एक लेमैन एक आम इंसान कैसे पढ़ सके। फिर उसकी जो ग्रामर होती है वो तो खैर यार उसकी स्टडी जब करोगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि कैसे बनती है। तो ये यहां मैं जा रहा हूं, तो आपने देखा जन गण मन अधि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध, अब मैं अगर इसको भी सम से पढ़ता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रा, तो देख रहे हैं पूरी लाइन ऑफ बीट पढ़ी जा रही है। तो जहाँ जहाँ वजन पढ़ने चाहिए, इसे हम संगीत की भाषा में या उर्दू में कहते हैं ज़र्ब। ज़र्ब यानी कहाँ वजन पड़ता है, कहाँ जोर पड़ता है, है ना। दो तीन स्टेजेस होती हैं जब किसी चीज़ को पढ़ी जाती है। सबसे पहली स्टेज होती है लयदार की स्टेज, लयदार की स्टेज यानी आप उसे लय में पढ़ेंगे, एक लय में, यानी जन गण मन अधि नायक जय हे भारत भाग्य, बिना किसी वजन के। फिर होती है लयकार की स्टेज, लयकार की स्टेज यानी विद ज़र्ब पढ़ेंगे, जन गण मन अधि नायक, यानी ये कहाँ कहाँ वजन आ रहा है वो पढ़ने हैं ताकि ताल अपने आप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ आशीष मांगे। आप देख रहे हैं जहां जहां दीर्घ आ रहा था वहां वहां मैं दीर्घ ले रहा हूं। चलिए अब मैं एक और दूसरे एग्जांपल लेता हूं, ये हमारी हनुमान चालीसा है, उसका एक दोहा है। अब देखिए मैंने बोला था ना कि दोहे का मीटर अलग होता है, तो यहाँ बिल्कुल मीटर थोड़ा सा ब्रेक होगा कि श्री गुरु चरण, अब श्री ही क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो मैंने एक मात्रा एक्स्ट्रा दी है, श्री गुरु चरण सरोज रज सरोज, रोज क्यों किया, क्योंकि ओ की मात्रा है। अब यहाँ आ जाता है अपवाद, आप मुझे कहोगे कि ओ ओ, तो ओ तो दीर्घ है ही नहीं, ओ तो रिस्व है, तो ओ में एक मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओ में ना लगा के ओ में लगा देते हैं, ओ में ना लगा के ओ में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि अ वाले अक्षर जो होंगे या
छोटे ई वाले होंगे, वहाँ एक मात्रा एक्स्ट्रा दी जा रही है। ऐसा क्यों? अ को अगर खींच दिया जाए तो उसका उच्चारण बिगड़ जाता है, वो शब्द बड़ा अजीब लगने लगता है। जैसे अगर मैं गाऊँगा वरदान, ये मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने समझाया था कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड वर्ड्स क्या होते हैं और कैसे उनमें समझा जाता है कि खींचा कैसे जाएगा। अगर मैं वरदान गा रहा हूँ तो मैं वरदान ऐसे नहीं गाऊँगा, मैं वरदान ऐसे गाऊँगा। ये मैं ऐसे ही अभी नॉर्मल सुरों में गा रहा हूँ, इसका कोई सुर से लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन दा को मैं खींचूँगा, न कि व र या न को, क्योंकि दा जो है ओपन एंडेड है। उसी तरह से यहाँ जा रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मानु। आप देख रहे हैं वहाँ बीच में ही ब्रेक हो गया, ऐसा उमूमन होता नहीं, लाइन पूरी कंटिन्यू चलती है, यहाँ बीच में ब्रेक हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारे सुधारे। अब देखिए धा, वहाँ बीच में कहीं भी गैप नहीं आया, क्यों? क्योंकि सारे ऋष्व स्वर थे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बर नाऊ रघुबर बेमल जसु जो दायकु फल चारे जो दायकु फल। इस तरह से मैंने पढ़ा। उसके बाद आगे भी यही है, बुद्धिहीन तनु हीन तनु, तो एक मात्रा एक्स्ट्रा दी, तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। तो जहाँ जहाँ बड़ा है वहाँ वहाँ बड़ा है, जय हनुमान ज्ञान गुण। अब देख रहे हैं जय हनु, बीट टू बीट चल रहा है जय हनु, लेकिन मान ज्ञान एक 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 एक्स्ट्रा जा रहा, तो इसमें चाल अपने आप पता चल जाती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। मैं अवग्रह देख देख के आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया जनगणमन हो गया। उसके बाद एक देखो, ये गज़ल आपने बड़ी फेमस सुनी होगी, जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई है, जगजीत साहब की, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब इसमें अगर मीटर पहचानना हो तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, अगर आपने लिखा हुआ पढ़ा है तो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, है ना, ऐसे पढ़ोगे आप तो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। लेकिन इसको अगर मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ूँगा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। ये आठ मात्रा की है, कैसे? तुमको देखा तो ये खा, तो मैं देखिए एक्सेप्शन लिया कि नहीं लिया, कि ओ में नहीं दी मात्रा, पिछली बार दी थी, यहाँ नहीं दी। ये पोएटिक लाइसेंस है कि उसको फिट करने के लिए कई बार एक आध मात्रा इधर उधर मीटर के साथ छेड़खानी करते हैं। तुमको देखा तो है ना, देह जो एक ही मात्रा है लेकिन तब भी वहाँ एक मात्रा एक्स्ट्रा दी गई, बस वो सुनने में अजीब नहीं लगना चाहिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, अब पहले आ में दिया, दूसरे में या में नहीं दिया, जिंदगी धूप तुम घना साया, है ना। आज अब अगर इसको मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ तो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना आज फिर दिल को हमने समझाया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। तो अपने आप पता चल गया इसमें चार चार की चाल चल रही है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, चार के बजाय अब हम सात की चाल देखते हैं। तो श्री रामचंद्र, अब अपने आप मालूम चला कि रूपक की चाल जो होती है वो होती है एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इसमें दिख रही है कि नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। शॉर्टकट यही है कि आपको बस आ को ख्याल रखना है, आ में एक एक मात्रा देते रहो, बड़ी ई में एक एक मात्रा देते रहो, है ना, ओ में बड़े एक एक मात्रा कहीं आती है कहीं नहीं आती है, ए में कहीं आएगी कहीं नहीं आएगी, ये अपवाद भी आते हैं। छोटी ई में नहीं आएगी एक मात्रा, ये तो ख्याल ही रख लेना, और अ में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो कैसे जा रहा है, और कई बार ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सम टू सम ही शुरू होगा, कई बार सम से पहले भी शुरू हो सकता है, तो भी आपको उसकी चाल पता होनी चाहिए। जैसे ये सम से शुरू नहीं हो रहा है कि श्री राम चंद्र कृपा, ऐसे नहीं हो रहा है, ये श्री ही, ये दो मात्रा पहले से, श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, है ना, इस तरह से जा रहा है।
आइए इसके आगे देखते हैं जो मैंने आपको होश वालों को खबर बताई थी। होश वालों को खबर क्या, जहाँ जहाँ दीर्घ आ रहा है वहाँ वहाँ मैं देता जा रहा हूँ। होश, होश वालों, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। ये देखिए मैंने इसी गज़ल को आठ में पढ़ना शुरू कर दिया। कैसे किया, होश एक्स्ट्रा गैप दे दिया, होश हो होश, जबकि टेक्निकली कितना है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजे फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। बिखरी है ना, तो ये साथ में जाता है। अब आइए पांच को देखते हैं। ये थोड़ा रेयर छंद है और थोड़ा मुश्किल भी पड़ता है इसको पता करना। जैसे कि इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। अब ये गज़ल में हो रहा है कि एंड जिससे हो रहा है, तो उसके बाद अगली लाइन उसी मात्रा से उठेगी जहाँ से पिछली वाली उठी थी, इसीलिए बाकी मात्राओं को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। कई बार आखिरी तीन आखिरी चार मात्राओं को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, जैसा इसमें हो रहा है कि जो उठ रही है तो पाँच से उठ रही है, खुदा हमको। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चला कि ये पाँच से उठ रही है या एक से, तो जब मैंने इसको पढ़ के देखा और इसका छंद जब मेरे दिमाग में बना तो ऑटोमेटिकली उसकी चाल ऐसे बनी कि वो थोड़ी सी एक पहले से उठ रही है और अगली पे वजन आ रहा है। इसको कहते हैं ज़र्ब। इसके लिए तालें करनी ज़रूरी है, इसके लिए तबले के बोल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने से वा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तू, अब देख रहे हैं समझेगी के बाद एक मात्रा नहीं दिया गया, खतावार समझेगी दु, क्योंकि वजन जो है वो लाइन फिट करना था। इसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं कि कई बार लाइन फिट करने के लिए इधर उधर एक्सेप्शंस ले लिए जाते हैं। ऐसा ही पांच का एक और, ये सईद राही साहब की एक और गज़ल है जो भी जगजीत साहब ने गाई है, कोई पास आया सवेरे सवेरे। अब ये भी पांच का मीटर है, कोई पास आया सवेरे सवेरे मु। अब इसमें कहीं गैप नहीं, जो मैंने पिछली गजल में एग्जांपल देके समझाया कि गैप आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है कैसे। और ये भी पांच से उठ रही है, कोई पास कोई, अब आप देख रहे हैं कि को के बाद गैप दिया ही नहीं, तो कई बार एक्सेप्शंस भी होते हैं। कोई पास, लेकिन आ वाला जो गैप है वो बराबर दिया गया, कोई पास आया सवे। अब आ में तो दिया या में नहीं दिया, कोई पास आया नहीं, अच्छा दोनों में है, कोई पास आया सवेरे सवेरे मुझे आज माया सवेरे सवेरे मेरी दास ता को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, है ना। जो कहता था कल शब संभलना, अब इसको मैं अगर बिना गिने ऐसे ही पढ़ दूं तो मैं, कोई पास आया सवेरे सवेरे मुझे आज माया सवेरे सवेरे, तो ये दादरा में आ रही है, कोई पास आया, जब गिनता हूँ रिदमिकली तब पता चलता है पांच का है, वरना तो कोई पास आया सवेरे सवेरे मुझे आज माया स धिन तट तक टिक धिना दिन दा दिना दा तिना दा दिना दा, कोई पास आया स, कोई पास आया सवेरे सवेरे, अब मैंने वेरे मात्रा वो गैप हटा दिया जो अवग्रह में दे रहा था, तो ये छः में आ गई, है ना। इसी तरह से छः पर आ ही चुके हैं, तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जो बड़ा फेमस गीत है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। अब हो सकता है ये गीत धुन पे बनाया गया हो, इसीलिए आगे जाके इसका मीटर बदल जाता है कि बेख्याली। अब यहाँ तो देखेंगे तो दादरा ही चल रही है कि बेख्याली, लेकिन ली में भी देखिए एक्सेप्शन है, एक मात्रा नहीं दी गई, बेख्याली में भी तेरा ही अब तेरा ही तेरा ही ऐसा नहीं किया गया, तो कई जगह बदला भी जाता है कई जगह रखा भी जाता है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए,
क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी यही रिदम चल रही हो कि तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि आगे धुन बदल गई थी तो मीटर भी उस हिसाब से बदला है कि तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। कोई छंद इसमें नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे फिर आ गया कि मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों, मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ तेरा गुरूर हूँ, मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ तेरा गुरूर हूँ, तू फासले मिटा ख्वाब सा मिला, तू फासले मिटा आ तू फासले मिटा तू ख्वाब सा मिटा, है ना। आप देख रहे हैं कहीं कहीं मीटर इसमें बदल जाता है क्योंकि धुन के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन यही पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें बराबर मीटर दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यह शिव तांडव स्त्रोतम, अब ये कैसे जा रहा है, ये 12 मात्रा में जा रहा है। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंब्यताम। अब आप देख रहे हैं मैं कैसे पढ़ पा रहा हूँ इसे कि ये 12 में है या 6 की जो चाल जा रही है, क्योंकि वही जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया जो 12 खड़ी का था। तो जटाहटवी गलज जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंब्यताम भुजंग तुंग मालिकाम धिन्ना धिन्दा। यानी ये तिस्त्र जाति की जो है 41 में लग रही है कि डमट 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 डमन निनाद वड्ड मर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनह शिवः शिवम, है ना। इसी तरह से एक फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, वो भी दादरा में है कि दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के, वीरां है मैं कदा खुमसागर उदास हैं तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। अब कैसे आ रहा है, दोनों जहान तेरी मोह, अब तेरी मोह कर दिया, यानी तेरी ही मोह, ऐसे नहीं किया गया, है ना। तो ऐसे पढ़ने में कई बार आपको पता चलेगा कि मीटर क्या है, कई बार नहीं पता चलेगा, कई बार म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ राइटर्स के साथ बैठना पड़ेगा। ये मैं इसीलिए भी बता रहा था बातें क्योंकि कई राइटर्स क्या हैं मीटर का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते हैं और बेकार एकदम कर देते हैं गीत को, तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ख्याल रखना भी होता है। कहीं कहीं जगह एक्सेप्शंस लगा सकते हो, जहाँ धुन की प्रधानता होती है वहाँ तो अपने आप थोड़ा बहुत मीटर इधर उधर हो जाता है, लेकिन कई लोग लिखने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह से मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वगरना तो आप अगर अच्छे से शास्त्र पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि मीटर कैसे बदलता है या कैसे लिखा जाता है। उसकी ग्रामेटिकल नॉलेज मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे नहीं है, मैंने तो बस अपनी तरफ से ये शॉर्टकट लगा के लिखना पढ़ना सीख लिया था, तालों में छंद पहचानना सीख लिया था। आप भी ये एक बार लगा के देखें और अभ्यास करें अच्छी अच्छी चीज़ों का, जैसे अच्छी चीज़ें आज मैंने आपको पढ़ाई, इन्हीं तरह से और अच्छी चीज़ें अगर आप खुद ब खुद पढ़ेंगे तो चाल आपको समझ में आने लगेगी, मीटर भी आपको समझ में आने लगेगा। आई होप आई वॉज हेल्पफुल। बहुत लंबा वीडियो है, मुझे पता है कि जितने लोगों ने ये देखा है आधा ही देखा होगा, पूरा बहुत कम लोगों ने देखा हो, और जो यहाँ तक रुक गए हैं उनका जीवन संवर जाएगा ऐसा कह सकता हूँ मैं सेफली, क्योंकि मेरा संवर गया, है ना, जब मैंने ये टेक्निक समझी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।